साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। मेरी ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज का मैं जो उपाय आपको बता रहा हूँ, ये आपकी यदि अर्धरात्रि में अगर आपकी नींद खुलती है, जब भी आपकी अर्धरात्रि में नींद खुले तो आप इस प्रयोग को कर लीजिए। यदि 7 बार आपने रात्रि में इस प्रयोग को कर लिया, वैसे तो एक बार का ही कहा गया है कि एक बार में ही 7 दिन के अंदर इसका रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन दोस्तों कलयुग का क्षेत्र है ना, तो एक बार में, अब कलयुग में पाप का क्षेत्र, पाप का अभाव ज्यादा है, तो हो सकता है कि एक बार में ना मिले। तो 7 बार कम से कम इस प्रयोग को कर लीजिए। कोई पूजा पाठ नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। आपकी कोई भी मनोकामना है, ठीक है, या कोई भी आपकी बड़ी परेशानी है, कोई ऐसी परेशानी है कि जो आपके जिंदगी का हिस्सा बन गई है ना, या फिर कोई ऐसी मनोकामना है जो असंभव लग रही है आपको कि पूरी नहीं होगी, तो सूर्य भगवान का ये प्रयोग है। सूर्य भगवान सिर्फ एक ऐसे देवता है जो 9 ग्रहों में राजा है और साक्षात प्रकट होके हमारे घर में खुद चलकर आके हमें दर्शन देते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। हम लोग उनका ध्यान नहीं देते, हम लोग मंदिर में ढूंढने जाते हैं भगवान को। दोस्तों पंच तत्व ही भगवान होते हैं, पंच तत्व से बॉडी बनी हुई है आपकी, तो ये अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये सब यही तो भगवान है। तो आज का जो प्रयोग बता रहा हूं ये आपको अर्धरात्रि में करना है। सूर्य भगवान का प्रयोग है, सूर्य भगवान 9 ग्रहों के राजा है, इनके यदि कोई प्रयोग किए जाते हैं तो कभी भी विफल नहीं होते हैं। बस थोड़ी सी पॉजिटिविटी और श्रद्धा विश्वास की जरूरत होती है। विश्वास के साथ में आप कोई भी प्रयोग कर रहे हैं 100% फलीभूत होता है, लेकिन डाउट क्रिएट करके करते हैं तो फिर वो चीज काम नहीं करती है ना। तो दोस्तों कोई भी चीज को करें विश्वास के साथ में। तो ये प्रयोग मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये आपको अर्धरात्रि में यदि आपकी नींद खुलती है तो इस प्रयोग को आप जरूर करें, जरूर आजमा के देखें एक बार। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो जाएगी, कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और जानकारी यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों करना क्या है आपको, रात्रि में जब भी आपकी नींद खुलती है, नहाने धोने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको एक तांबे का पात्र जो आपके घर में हो, तांबे का लोटा हो, क्योंकि सूर्य भगवान की सबसे प्रिय वस्तु है तांबा, है ना। तो रात्रि में नींद खुलती है तो आप एक तांबे का पात्र लें, ठीक है, उसमें जल भर के घर में कहीं ऐसी जगह छिपा करके रख दें जहां ना आपकी और ना घर के किसी सदस्य की नजर पड़े। कब तक नहीं पड़े, जब तक सूर्योदय नहीं हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जब भी नींद खुले आपको तो कम से कम 7 बार 7 दिन तक, तो इस मतलब ये नहीं है कंटिन्यू 7 दिन, 7 बार या फिर 3 बार आप करके देखिए प्रयोग को। 7 दिन के अंदर इसका रिजल्ट आने का ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि 7 दिन में परिवर्तन साफ साफ नजर आने लगता है कि जिस भी मनोकामना के लिए, जिस भी परेशानी के लिए आप इस प्रयोग को कर रहे हैं, है ना। तो सुबह उठ करके आप 8 बजे से पहले इस प्रयोग को कर लेंगे, अगर आपने रात में जल रख दिया है, ठीक है, तो सुबह उठेंगे, स्नान करेंगे और अपनी जो पूजा पाठ करते हैं वो कर लें, और सिर पे लाल कपड़ा यदि रख लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है, बेस्ट है। और थोड़ा सा एक गुड़ का टुकड़ा और एक गेहूं का दाना सुबह जब अर्घ्य देंगे आप तो इस लोटे में डाल दें और एक लाल पुष्प डाल दें, ठीक है, और सूर्य भगवान को अर्घ्य देना शुरू करें। अर्घ्य देते समय यदि आप मंत्र का जाप करते हैं, सूर्य भगवान का गायत्री मंत्र का जाप कर लें तो सोने पे सुहागा। ओम आदित्याय विद्महे सहस्त्र किरणाय च धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र का जब तक अर्घ्य दे रहे हैं आप अर्घ्य देते जाएं और मंत्र जाप करते जाएं। एक दिन आपने कर लिया, आज रात में आपकी, जरूरी नहीं है कि मतलब कंटिन्यू आपकी नींद खुल जाए तो कंटिन्यू करना है, कोई भी 7 दिन कर लीजिए। वैसे 1 दिन का प्रयोग कहा गया है, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि कलयुग का क्षेत्र है दोस्तों, है ना, तो पाप का क्षेत्र है, काफी ऐसा होता है कि कोई भी पूजा पाठ तुरंत में फलीभूत नहीं होती है, तो यदि एक में रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो 2, 3, 4, 7 दिन का कहा गया रिजल्ट मिलेगा, तो आप 7 दिन कर लें इसको, 100% गजब का रिजल्ट आएगा। हाँ, एक बार में प्रयोग करेंगे जब तक एक मनोकामना पूरी नहीं होती है या एक परेशानी दूर नहीं होती है, तब तक आपको यही प्रयोग एक के लिए करते रहना है। जब एक पूरी हो जाती है मनोकामना तो आप दूसरे के लिए कर सकते हैं, दूसरी परेशानी से मुक्ति के लिए कर सकते हैं। और सूर्य भगवान जो होते हैं समस्त ग्रहों को बैलेंस कर देते हैं, और सूर्य का दर्जा ही हमारी जिंदगी में पिता का होता है कि पिता के समान होता है,
सूर्य हमारे पिता हैं, समस्त संसार को जीवन दे रहे हैं, है ना। तो सूर्य भगवान का ये प्रयोग आप करके देखिए दोस्तों, 100% जो भी आपकी कठिन से कठिन मनोकामना होगी पूरी होकर रहेगी। बस विश्वास रखिए इन चीजों में। अगर आप भी ज्योतिष शास्त्र में अगर इन चीजों में विश्वास करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि हम जो सोचते हैं, हम जो बोलते हैं, देखते हैं, वही चीजें तो रियलिटी बनेगी। और पॉजिटिविटी के साथ में सोचते हैं तब वो चीज रियलिटी बनती है। तो कुदरत को आप क्या देंगे? कुदरत को पॉजिटिविटी देना पड़ेगा ना। और जब कुदरत को पॉजिटिविटी देंगे तभी तो कुदरत वो चीज आपको देगी। तो उन चीजों को विजुलाइज भी करें, सोचें थोड़ा सा, मन में उन चीज की इमेज बनाए। मतलब कि नेगेटिव थॉट्स अगर आ रहे हैं तो उनको कट करके, इग्नोर करके, जब भी नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आए हमेशा दिमाग में बोलिए डिलीट डिलीट डिलीट। आपका सबकॉन्शियस माइंड उन चीज को डिलीट करना शुरू कर देगा। और हमेशा पॉजिटिव चीजें सोचिए। और कभी किस्मत को मत कोसिए, ना जिंदगी को आप कोसिए। जिंदगी दोस्तों बहुत प्यारी है, बस जीने का सही तरीका आना चाहिए। सही तरीके से जिएंगे, पॉजिटिव होकर के जिएंगे तो जिंदगी बहुत खूबसूरत है ना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।